नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नीट शास्त्र में, जहां रेगुलर अपडेट दे रहे हैं। और एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, अभी आई है हमारे सामने। जैसा कि आप न्यूज़पेपर की कटिंग देख सकते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बताऊंगा। ये ऑफिशियल तो नहीं कह सकते कि ऑफिशियल MHRD की सोर्स आई है या नहीं आई है, पर ये न्यूज़ दैनिक जागरण में छपी है। जब दैनिक जागरण में न्यूज़ छपी है, एक नेशनल न्यूज़ हमारा अखबार है हिंदी का, दैनिक जागरण, जिनको नहीं पता होगा, एक बहुत ही रेपुटेटेड और इंग्लिश का अखबार है, वो भी फ्रंट पेज पे ये चीज़ छपी थी। तो ये एक तरह का सोर्स मान सकते हैं, मतलब एक तरह का ये रिलायबल सोर्स है हमारे पास, कि जिससे हम मान सकते हैं कि हाँ, नीट को पोस्टपोन होगा ही होगा। क्योंकि ये MHRD अभी ऑफिशियली बोली नहीं है, मीटिंग तो बराबर ले ही रहे हैं तो सब, पर इस पर अभी ऑफिशियल स्टैंड उनका कुछ आया नहीं है। पर सोर्स के मुताबिक न्यूज़ में एक आर्टिकल छपी है और दैनिक जागरण में है, तो बिल्कुल ये सही ही होगी दोस्तों। इस पर आप रिलायबल कर सकते हैं, क्योंकि देश का ये प्रतिष्ठित अखबार है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं अभी इस न्यूज़ के बारे में, अंतिम तक वीडियो को देखना है आपको, तभी समझ में आएगा। आर्टिकल थी कि अक्टूबर तक खिसक सकती है आपकी परीक्षाएँ, JEE और नीट मेंस की परीक्षाएँ। देखिए इसमें क्या लिखा था कि CBSE की जुलाई में प्रस्तावित परीक्षाओं को लेकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय का रुख फिलहाल साफ है कि वह कोरोना के संक्रमण के बीच छात्रों की सुरक्षा को खतरे में नहीं डालेंगे, लेकिन इस पर कोई भी अंतिम फैसला स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय की राय के बाद ही लिया जाएगा। दोस्तों हमारा नीट साथ में सिर्फ और सिर्फ एक मोटो है कि जो भी नीट की न्यूज़ है वो आप तक पहुंचाना, फेक न्यूज़ हम बिल्कुल भी नहीं पहुंचाते हैं दोस्तों। अगर वो न्यूज़ कहीं ना कहीं आई रहती है तभी हम देते हैं आपको, जैसे दैनिक जागरण में आई हो, इंडियन एक्सप्रेस में आई हो, टाइम्स ऑफ इंडिया में आई हो, या कहीं भी, या उनके MHRD के ट्वीट में हो, इस तरह की न्यूज़ हो तभी हम आपको पोर्टल पर ला के देते हैं अपने। और आप हमारा डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, बहुत सारे लिंक और प्लेलिस्ट आपके लिए। हमने बेहतरीन रैंक बूस्टर प्रोग्राम बनाया है जिसमें आप आप जाके पूरा चैप्टर घंटों का चैप्टर 10 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं। और तो और आप दोस्तों उसमें जाके आप NCERT के जो फिगर आते हैं वैसे इंपॉर्टेंट वीडियोस, या आपके कोई भी चैप्टर शॉर्ट ट्रिक्स हो गए जो आपको याद नहीं होते, क्वेश्चन बार बार आते हैं, आपको परेशान करते हैं पर आते नहीं है, वो सारे क्वेश्चन हमने शॉर्ट ट्रिक्स के फॉर्म में, वो सारे चीज़ें हमने एक फॉर्मूले के फॉर्म में एक पूरा सीरीज बना के रखा है केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी का। एक बार आप जाके देखिए, प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा जरूर दोस्तों। आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यूज़फुल होगा। तो दोस्तों बता दूं कि ये जो नीट का न्यूज़ का मामला है दैनिक जागरण में आया, साफ साफ है। देखिए CBSE का तो कोर्ट में मामला चला गया है, 23 तारीख को आपको आ भी जाएगा। और ये साफ है कि CBSE का एग्ज़ाम तो नहीं होना है, मतलब कैंसिल हो जाना है CBSE का एग्ज़ाम। क्योंकि अभी एक इंटरव्यूअर ने पूछा था कि पंजाब के मुख्यमंत्री चाहते हैं सर कि वो बच्चों के स्वास्थ्य के साथ नहीं खेलना चाहते हैं, तो उस पर साफ है HRD मिनिस्ट्री ने कहा कि हम भी बच्चों के स्वास्थ्य के साथ नहीं खेलना चाहते हैं। हमारा भी मोटो है बच्चों का स्वास्थ्य प्राथमिकता है, तो हम भी कभी भी बच्चों के हेल्थ के ऊपर कोई डिसीजन नहीं लेंगे कि बच्चों का हेल्थ ज़्यादा उस पर अफेक्ट पड़े। ये चीज़ उन्होंने साफ साफ हर इंटरव्यू में बोला है। इसका मतलब यही है कि दोस्तों पोस्टपोन होना ही है नीट, और ये श्योर मैं कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारे न्यूज़ जो ने दिए हैं वो रिलायबल हैं, उनके सोर्सेस होते हैं MHRD तक, तभी वो अपने ऐसा न्यूज़ देते हैं, नहीं तो वो अपने न्यूज़पेपर अपने आर्टिकल का एक रेपुटेशन ख़त्म नहीं करना चाहेंगे कभी भी। तो दोस्तों आपको बता दें कि आगे न्यूज़ अभी बताएंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पहले भी हमने बोला है कि जो भी होगा वो HRD मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री और आपको होम मिनिस्ट्री से संपर्क लेकर ही होगा। लगातार मीटिंग चल रही है, 2 बार मीटिंग हो चुकी है। आप हमें सारे प्लेटफॉर्म पे फॉलो करिए, आपके लिए बहुत सारा सरप्राइज है वहाँ पे, एक बार विजिट करेंगे तो जान जाएंगे। देखिए दोस्तों वही विश्वविद्यालय की परीक्षाओं सहित नीट, JEE मेंस जैसी परीक्षाओं को लेकर भी निर्णय लिया जाएगा। हालांकि इन परीक्षाओं की तारीखें सितंबर अक्टूबर तक बढ़ाई जाएंगी। साफ साफ देखिए यहाँ पे लिखा है दोस्तों, सितंबर अक्टूबर तक बढ़ाई जाएंगी। मानव संसाधन विकास मंत्री का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ अगले 1-2 दिन में अहम बैठक होनी है। देखिए एक और मीटिंग होनी है, क्या अपडेट आएगी वो सिर्फ और सिर्फ आपको नीट शास्त्र में मिलेगी। इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मिल जाए वो अपडेट। उसके बाद दिया गया है कि अभिभावक के साथ ही अब दिल्ली, ओडिशा और तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी जुलाई में प्रस्तावित CBSE का एग्ज़ाम जो है वो रद्द करने की मांग उठी। आपको पता ही है कि नवीन पटनायक जो ओडिशा के चीफ मिनिस्टर हैं और आपके क्या बोलते हैं दिल्ली के, तो बोल ही चुके हैं
ऐसे ही आपके क्या बोलते हैं, मनीष सिसोदिया ने बोला है कि वो एग्ज़ाम कराने के सक्षम नहीं है, ऐसे में एग्ज़ाम कराना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं और हो ही नहीं सकता कि बच्चों के हेल्थ के साथ खेला जाए, क्योंकि इनके स्टेट के अब मामला है, तो अगर वो स्टेट में एग्ज़ाम कराते हैं तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है पूरी तरीके से, तो वो नहीं कराना चाहते। महाराष्ट्र का पहले ही स्टेटमेंट है, तो इतने सारे स्टेट जब तीन चार स्टेट नहीं कराना चाहते हैं तो सेंट्रल कभी भी कराना नहीं चाहेगी। और एक आर्टिकल अच्छा पाया जो कन्फर्म आपको एक सपोर्ट देता है। पर दोस्तों, आप अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं तो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो या ना हो, आप अपनी तैयारी जारी रखेंगे। अगर आपको ऐसी वीडियोस नहीं चाहिए, आपको लगता है कि ये सब वीडियो आपकी तैयारी को भ्रमक कर रहे, तो आप वीडियो को स्किप कर दिया करिए। पर आपको दोस्तों मैं बता दूं कि आप अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो, या आपको लगता है कि हम अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो प्लेलिस्ट में और डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर एक बार विजिट जरूर करिए दोस्तों। उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम और आगे काम कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट।